साथ रूपल शर्मा, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस। कृषि कानून के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में किसानों के समर्थन में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं राजस्थान में भी किसान आंदोलन के समर्थन में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। किसानों के मुद्दों पर मेरा ये कहना है कि आज पूरी दिल्ली की सड़कों पर पूरे भारत के किसान डटे हुए हैं इस काले कानून को लेके। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी को सद्बुद्धि दे और इस काले कानून को हटाए। किसान वो अन्नदाता है देश का, जो किसान वो अन्नदाता है देश का जो पूरे देश को रोटी खिलाता है। आज वो मजबूर है इस काले कानून को लेके बिचौलियों के गुलाम से हटने के लिए। मैं मोदी जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस काले कानून को हटाए जल्दी से जल्दी और किसानों के हित में फैसला ले। मोदी जी वही किसान है जो आपको दो बार दिल्ली में पीएम बनाया है, और ये वही किसान है। मोदी जी मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये वही किसान है जो आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर इस बिल को नहीं हटाया तो आपको गुजरात बैठा देंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर दिखने लगा है। मंगलवार सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में ट्रेनें रोकी गई है। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम की बात कही है। किसानों ने कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन है। वहीं बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में भी जगह जगह किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर जिले की फागी, बगरू, दूदू, चाकसू तहसीलों में किसान भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश मंत्री बाबू रेड़ा ने बयान दिया है, आरएलपी पार्टी हमेशा किसानों के समर्थन में रही है और अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है तो आरएलपी पार्टी के नेतृत्व में आगामी दिनों में राजस्थान में भी चक्का जाम किया जाएगा। वहीं किसान नेता रामलाल लील का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, जिसकी बदौलत आज अन्नदाताओं को सड़कों पर आना पड़ा। आइए इस खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश मंत्री बाबू रेड़ा से, क्या है उनका कहना। आइए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं आरएलपी प्रदेश मंत्री बाबू रेड़ा से। रेड़ा जी, कहा जा रहा है कि आरएलपी किसानों के समर्थन में मैदान में है, आपका क्या कहना है इस पर? जी मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान ही देश और प्रदेश के जो किसान जो केंद्र सरकार ने 3 बिल पास किए हैं इसको लेकर के जमीनी स्तर पे पूरे देश का किसान आंदोलित है। वो 12 तारीख को हमारे आदरणीय नेता श्री हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में कोटपुतली के अंदर राजस्थान का लाखों लाख किसान इकट्ठा होगा। उसके बाद राजस्थान का किसान भी किसानों के सम्मान में हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में हम दिल्ली कूच करेंगे। अब आप हमें बताइए कि केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर राजी नहीं होती तो आरएलपी की क्या रणनीति है? ये आंदोलन हमारे सुप्रीमो हनुमान जी के निर्देशन अनुसार हम दिल्ली कूच और आंदोलन पर वहाँ बैठकर ही आगे की रणनीति तय करेंगे। चूंकि आरएलपी को बीजेपी की समर्थित पार्टी माना जाता है, ऐसे में अगर बीजेपी आरएलपी से किनारा करती है तो क्या गठबंधन टूटेगा? गठबंधन टूटे या रहे बात की परवाह, आरएलपी का नौजवान हमारे माननीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने पहले ही कहा है कि आरएलपी पार्टी का गठन किसान और जवान के मुद्दों को लेकर के किया गया है और हम हमेशा किसान और जवान की लड़ाई लड़ते हैं। सड़क से लेकर के विधानसभा से लेकर के हमारे नेता संसद तक किसान और जवान की लड़ाई लड़ते हैं। हम हमेशा 24 घंटे किसान और जवान के साथ हैं। गठबंधन रहे या नहीं रहे, हम किसान के साथ हमेशा रहेंगे, राजस्थान के जवानों के साथ हमेशा रहेंगे, ये हमारी नीति और रीति होगी। अगर गठबंधन टूटता है तो क्या आरएलपी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगी? समर्थन हम किसान और जवान का करेंगे, हम नहीं कांग्रेस का समर्थन करेंगे ना ही भारतीय जनता पार्टी का। हम किसान और जवानों के मुद्दों को लेकर के किसान और जवानों के मुद्दों पर हम समर्थन करेंगे और उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और आरएलपी अपने दम पर आदि किसानों की और जवानों की लड़ाई लड़ती रहेगी।